दोस्तों आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं एनडीए फॉर्म जो है आपके आ चुके हैं जो कि एनडीए फर्स्ट नाम से आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनडीए के फॉर्म एक साल में यानी कि 12 महीने में एक तरह से दो बार निकलते हैं, तो ये पहला है 2018 का पहला एक तरह से आ चुका है और लगभग जुलाई या अगस्त के महीने में जो है सेकेंड आता है। तो ये फॉर्म जो है आ चुके हैं, इसकी कल ही आए हैं 15 तारीख को, ठीक है, और इसकी लास्ट डेट जो है 5 फरवरी है। तो जल्द से जल्द जो है फॉर्म भर दीजिए। सारी डिटेल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए ये जो पीडीएफ है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी। आपको जाना होगा सबसे पहले www.upsc11.com, ठीक है, www.upsc11.com पर चले जाइएगा और गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, आप चले जाइएगा upsc11.com पर, ठीक है। मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से जो है आपके लिए बिल्कुल सारी चीज़ें समझ जाएं, आप कौन कौन डाल सकता है फॉर्म, किस प्रकार से चीज़ें हैं और सिलेबस वगैरह जो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध मिल जाएंगी वहाँ पर। तो आपको क्या करना है, यदि आप डेस्कटॉप से खोल रहे हैं तब तो इस प्रकार का जो है इंटरफेस नज़र आएगा आपको खुला हुआ, लेकिन आप यदि मोबाइल से खोल रहे हैं तो ये वाली जो साइड दिखाई दे रही है आपको, ये जो टैब वगैरह इधर की साइड राइट हैंड वाले, ये आपको नीचे की साइड में दिखाई देंगे। तो आपको करते जाना है स्क्रॉल नीचे की साइड में, ठीक है, इस प्रकार से एक कैटेगरीज का जो है ऑप्शन मिल जाएगा बीच में नीचे की साइड में, ठीक है। तो कैटेगरीज के ऑप्शन में ही सारी चीज़ें जो है डाली जाती हैं। कैटेगरीज के ऑप्शन में आपको ढूंढना है आपका एग्ज़ाम किससे संबंधित है, एनडीए से, ठीक है। तो एनडीए के एग्ज़ाम आपको ढूंढना है, एनडीए एग्ज़ाम, तो अल्फाबेटिकल जो है नीचे की साइड में मिलेगा एन, तो एनडीए एग्ज़ाम ये आ गया, ठीक है। एनडीए एग्ज़ाम पर कर देना है क्लिक आपको और जो पहली ही पोस्ट है वो आपको मिल जाएगी, यूपीएससी एनडीए ऑनलाइन फॉर्म 2018। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल सहित पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप करने का सिस्टम पूरा ये यहाँ पर जो है आ जाएगा। लेकिन एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा जाकर, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ जो है इम्पोर्टेंट जो है जो आपको जानना ज़रूरी है वो सारी चीज़ें दे दी गई हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल पर हम जो जीएस से संबंधित चीज़ें डालते हैं और एनसीईआरटी वगैरह जो है वो आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। हमारा जो चैनल है जीएस से संबंधित है और आपको बुक्स वगैरह लेनी होंगी तो यहाँ पर देखिए ये लिंक मैंने दे दिए हैं जो इम्पोर्टेंट बुक हैं और उनके साथ में जो है बुक भी आ जाएंगी, मंगा सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। और यहाँ पर सारी की सारी डिटेल मिल जाती है, फीस से संबंधित चीज़ें, एप्लीकेशन डेट से संबंधित, कब तक भरना है, एज लिमिट मिल जाती है, कहाँ पर है एलिजिबिलिटी मिल जाती है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है इसे, ठीक है, डायरेक्ट आपको बिना नोटिफिकेशन पड़े हुए भी कितनी वेकेंसी हैं, किस किस फोर्स में कितनी वेकेंसी हैं, ठीक है। और इस चैनल से फेसबुक पेज से ज़रूर जुड़ जाइएगा आप हमारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं पर सारी चीज़ें जो है आती हैं फेसबुक पेज पर। यहाँ पर बहुत सारे जो है लिंक मिल जाते हैं आपको, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकते हैं आप घर बैठे ही, यदि आप ऑनलाइन जो है फीस जमा कर सकते हैं तो यहाँ से कर दीजिए। SC ST के लिए 0 है, SC ST के लिए, तो वो यहाँ से डायरेक्ट चले जाइए और भर दीजिएगा अपना फॉर्म अच्छे से, ठीक है। और जनरल वाले जो हैं जो जनरल में हैं, जनरल कैटेगरी में हैं, वो भी फॉर्म भर दीजिए और ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा अपने आप ही, ठीक है। कैंडिडेट लॉगिन सेकंड, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा यहाँ पर, फिर सेकंड जो है यहाँ पर करना होता है, आप सभी को पता है, मैंने पूरा पूरा दे दिया है, प्रिंट यहाँ पर मिल जाएगा। डाउनलोड फॉर्म जो अभी मैंने आपको PDF दिखाई थी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल जाएगी, और ये एग्ज़ाम दोनों भाषाओं में होता है, हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछेंगे, मुझे पता है ऑफिशियल वेबसाइट इसकी ये रही। तो जो डाउनलोड एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो आपको इन्हीं में मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश ये वाला नोटिफिकेशन के अंदर ही मिल जाएगा। तो मैंने ये चीज़ें जो है उठा दी हैं यहाँ से, अपने नाम से डालना कोई फ़ायदा नहीं है, उन्हीं को आपको स्क्रॉल करते जाइएगा, जैसे ये वाली जो है ना, ये